हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा चना यानी कच्चे चना का चना मसाला। तो गाइस देखिए, मैं आज कैसे ये न्यू रेसिपी बना रही हूँ। इसमें मसाला हमने रेडी किया है, लहसुन है, धनिया है, जीरा है, गोलमिर्च है, हल्दी है, आदि है, हरा मिर्च है, चाट मसाला है और गरम मसाला है एवरेस्ट का। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करके और इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जीरा और तेज़ पत्ता का छौंक लगाएंगे। इसके बाद कटा हुआ प्याज को डालकर भूनेंगे। जब गोल्डन कलर का प्याज हो जाए तो उसमें जो छीला हुआ चना है, हरा चना, उसको डालेंगे। डालने के बाद फिर हम बढ़िया से चलाएंगे। इसके बाद उसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है ना दोस्तों कि जो चना है जल्दी पक भी जाता है और बढ़िया से मेकअप भी हो जाता है नमक का। फिर इसके बाद हमने मसाला जो बताया उसको रेडी करके रखा है। आधा चम्मच गरम मसाला एवरेस्ट का और आधा चम्मच चाट मसाला डाले हैं। डालकर उसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद फिर चना बढ़िया से भुन जाए तो मसाले को डालेंगे। मसाला डालने के बाद दोस्तों बढ़िया से मसाला को भी भूनेंगे। अगर मसाला बढ़िया से भुन जाए तो उसमें छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर का टुकड़ा डालेंगे। डालकर खूब बढ़िया से चलाएंगे। अगर आपको लगे हल्का पक गया है टमाटो तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। और चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी भी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और टेस्टी भी लगता है। आप लोग प्लीज़ एक बार खाइए। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।